हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह आला नबी नाम वाले सलातो सलाम का तज़करा कुरान मजीद ने कई जगहों पे बयान फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया कि मैं मिल्लत इब्राहीम पे हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहि सलातो सलाम के सीरत को, सवाने को, उनकी ज़िंदगी के वाक़ियात को कुरान मजीद ने मुतअद्दद मकामात पे बयान किया है। अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम 1,24,000 कम बेश हुए, लेकिन दीन इस्लाम में नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत में जो मकाम हज़रत इब्राहीम का है वो बस उन्हीं का है। उनकी ज़िंदगी एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी मुनफरद और मुसलमानों के लिए बड़ी उस्वाए नूर देने वाली ज़िंदगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने बाप हजरत इब्राहीम की दुआ बन के दुनिया में आया हूं। और फिर महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में भी जनाब इब्राहीम के तरीके को जारी रखा। सहाबा ने कुर्बानी के बारे में हुजूर से पूछा, मा हाज़िहिल अदहिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है? तो फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम का तरीका है, ये तुम्हारे बाप हजरत, हालांकि कुर्बानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका है, लेकिन फरमाया तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम, हजरत इब्राहीम के जिक्र को बाकी रखा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, उनके तज़किरे को बाकी रखा दीन के अंदर। हज़रत इब्राहीम बड़ी इम्तियाजी शान वाले नबी हैं, बड़ी इम्तियाजी शान वाले। रब करीम का वो दोस्त जिसने कोई चीज बचा के नहीं रखी, हर शय ही अपने रब की बारगाह में पेश कर दे। चंद चीजों से इंसान को बड़ा प्यार होता है, घर उसे बड़ा प्यारा होता है। वो बड़ा खूबसूरत होटल, 5-स्टार होटल में रहा, वो इस्लामाबाद गया किसी सफर पे गया तो बड़े आला किस्म के उसको खाने मिले, बड़ी चीजें मिली, लेकिन कभी दाई करवट कभी बाई करवट। तो साथ बेड पे दोस्त था तो उसने कहा साहब सो जाओ, तो उसने कहा यार जो मजा अपने घर में सोने का है वो किसी और जगह थोड़ी है। घर बड़ा प्यारा होता है, इंसान लगाव होता है, जिस बेतकल्लफी से, सुकून से, आराम से इंसान अपने घर में वक्त बिताता है कहीं और मुश्किल हो जाता है। दूसरा, इंसान को औलाद बड़ी प्यारी होती है, बड़ी अजीब शय, ना हो तब भी बड़ा दुख है और होने के बाद भी इसकी बड़ी आजमाइशें, ये बड़ी एक मीठी चीज है औलाद, एक बड़ा अजीब सा मेवा है। पता नहीं ये किस इंजेक्शन का नाम है कि छाती पर चढ़ जाए तो अल्लाह सुकून अता फरमा देता है। पता नहीं किस ठंडी दौलत का नाम रब करीम ने औलाद रखा, बड़ी प्यारी होती है औलाद। फिर तीसरी चीज, इंसान की अपनी जान है और ये इतनी कीमती शय है कि अल्लाह करीम ने फरमाया कि अगर तेरी गर्दन पे कोई आदमी पिस्तौल रख के, तलवार तेरे गले पे रख के कहे ना कि रब का इनकार कर दे वरना मार दूंगा, तो फरमाया वक्ती तौर पे मेरी जात का इनकार कर पर जान बचा जा। अगर तू मरने के करीब हो गया है और हराम शय खाए बगैर तू बच नहीं सकता, मर जाएगा, तो फरमाया चल तू इस तरह कर, हराम खा के जान बचा, पर जान बचाना फर्ज है, जरूरी है। वतन बड़ा प्यारा, औलाद बड़ी प्यारी, जान बड़ी प्यारी, पर हजरत इब्राहीम से रब करीम ने फरमाया चल इब्राहीम कोई चीज दे, तो कहा या अल्लाह तीनों ही तेरे नाम पे कुर्बान करता हूं, तेरी हुई सारी, हर शय तेरी। हजरत इब्राहीम ने दीन के लिए, आप शहर बाबुल के करीब पैदा हुए थे, वहां से मिस्र आए, मिस्र से फलस्तीन आए और फलस्तीन से आकर के काबा आबाद फरमाया। जिंदगी सफरों में गुजरी, सफर एक तकलीफ वाली चीज है, पर हजरत इब्राहिम ने वतन छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। जान बड़ी अजीज होती है। असल में ना, जब इंसान जद्दोजहद करता है ना दीन के लिए, तो उसके रास्ते में बड़ी चीजें आती हैं, कभी औलाद, कभी घर, कभी बाहर, कभी हुकूमतें,
कभी सियासतें, कभी चुदराहटें, उसके रास्ते में बड़ा कुछ आता है और उसे हर चीज को फेस करना पड़ता है। घर के अंदर भी जंग होती है और घर के बाहर भी लड़ाई होती है। ये आसान है ही नहीं। हम तो खैर हथियार छोड़ के फेंकने वाले लोग हैं, हम भोले भाले लोग हैं। हम कहते हैं मैंने तो कहा था मेहंदी ना करो, पर बेटे नहीं माने, भोले जुए। इसी तरह हालांकि अगर वो बेटा कहे ना कि अब्बा जी लाओ जिंदगी में सारा कुछ मेरे नाम करो, तो फिर हम भोले नहीं होते और उस वक्त हम तेज होते हैं, कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हाथ काट के दे दूं। उस वक्त नहीं, दीन के मामले में भोले होते हैं। बेटा बद मजहब के पास जा रहा है तो उस वक्त हम भोले भाले हैं, कोई अर्ज नहीं। लेकिन अगर वो अपनी पसंद की शादी करे हमें क्रॉस करके, फिर साथ ही हम तेज हो जाते हैं। तो हजरत इब्राहिम ने जब दीन के लिए निकले तो जद्दोजहद की, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। आपके वालिद का नाम तारक है, वो तौहीद परस्त थे, ईमानदार थे, परहेजगार थे। आपके चचा का नाम आजर है, वो बुत परस्त थे, बुत बेचा करते थे। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मैदान अमल में निकले तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने घर से जिहाद शुरू किया। लड़ना पड़ा घर के उसूलों से, चचा ने जो रिवाज बनाए हुए थे उस रिवाज से टकराए। फरमाया मैं अपने घर के अंदर ये बुत परस्ती नहीं होने दूंगा। चचा को एक दफा नहीं, बार बार 100 दफा समझाया। आपका चचा बुत बना के बेचा करता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हुए तो कहने लगा कि चलो मेरे साथ तुम भी, बुत बेचने हैं, हमारा कारोबार है। हजरत इब्राहिम साथ निकले तो बुत पकड़ा है, गंदे पानी के अंदर उस बुत को डुबोते हैं, कहते हैं किसी ने खरीदना है तो खरीद लो, ना ये नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, जो अपना आप नहीं बचा सकता तुम्हें क्या बचाएगा, खरीदना है तो खरीद लो। चचा कहने लगा तू कारोबार चमका रहा है कि तबाह कर रहा है। घर में बड़े मामलात खराब हुए, झगड़े हुए, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मिनट के लिए भी अपने घर के अंदर भी कंप्रोमाइज करने को तैयार। ये थोड़ा मुश्किल मैंने पहलू छेड़ दिया है, ये थोड़ा मुश्किल पहलू छेड़ दिया है। बड़ा समझदार आदमी है पर बीवी से पर्दा नहीं करा सकता, सियाना है, पंचायत का बंदा है, जो इसे आप कहेंगे वो बात ये सुनाएगा, लेकिन कहता है नहीं जी मैंने कोशिश कर ली है। किस किस्म की कोशिश है साहब, कैसे हो गया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने घर के अंदर से फरमाया नहीं करने दूंगा, घर के अंदर भी टकराए, फरमाया तुम जो भी हो पाश पाश किया चचा के उसूलों को, और बाहर जब निकले तो सिर्फ इलाके के चेयरमैन से नहीं टकराए, MPM मैंने वजीर मुशीर से नहीं टकराए, सुपर पावर नमरूद दुनिया का वाहिद हुक्मरान था, उस वक्त दूसरा कोई हुक्मरान ही नहीं था, अकेला अकेले हुक्मरान से जाकर टकराए। कोई साथ फौज नहीं थी, कोई साथ उनके ताकत बजाहर दुनियादारी की कोई नहीं थी, पर हजरत इब्राहिम जाकर टकराए और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनद बयान की, फरमाया अफदलुल जिहादे कलीमतुल हक इंद सुल्तानिल जाबिर, फरमाया सबसे अफजल जिहाद ये है कि तू जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर हक बात बयान कर दे, ये सबसे बड़ा जिहाद है, ये सबसे अफदलुल जिहादे कलीमतुल हक इंद सुल्तानिल जाबिर, सबसे बड़ा जिहाद। हजरत इब्राहिम खड़े हो गए, सुपर पावर से टकराए। यहां हम लोग हिकमतों का शिकार है, देखेंगे करेंगे सोचेंगे, और मौलवी साहब को वैसे कहते हैं आप परहेज करें सियासी बातों से। भाई अल्लाह के हर नबी ने जाके वक्त के जालिम हुक्मरान को लताड़ा है, ललकारा है, ये तो मिशन अंबिया है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको जाके कहा कि तू झूठ बोलता है, तू झूठा है, तू खुदाई का दावा करता है, तू बहुत बड़ा जालिम है, और कुरान मजीद ने इस सारी बात को बयान फरमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा मैं रब हूं, तो आपने फरमाया मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है, तो फिर आप हक बात बयान करेंगे तो अल्लाह मारेगा कि बंदा मारेगा, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिंदगी मौत किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में, जिंदगी मौत अल्लाह, कुछ भी नहीं होता। इंसान सही सिमत का तायुन करे और सही सही चले। हजरत अली शेर खुदा से किसी ने कहा था कि आपके बड़ी दुश्मनी है, कोई महाफज रख लें, आप फरमाने लगे मौत खुद बहुत बड़ी मुहाफज है, वक्त से पहले आती ही नहीं, बड़ी मुहाफज है वक्त से पहले। अल्लामा नौरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कराची जैसे शहर में रहा करते थे जहां गांव गांव पे खतरा था,
लोगों ने कहा हजरत इतने बड़े लीडर हो, आपकी जमात की 62 सीटें हुई कौमी असेंबली में, एक ऐसा वक्त भी आया तो कोई एक एक आदमी बंदूक वाला? आप फरमाने लगे मुझे जरूरत ही नहीं, इसलिए कि जिस खुदा रसूल के लिए मैं निकला हूँ वो खुद ही हिफाजत करने वाले हैं, जरूरत नहीं इन चीजों। तो भाई हजरत इब्राहिम टकराए और आपका अंदाज क्या है, जाके कहा कि तू नहीं, खुदा वो है जो जिंदा करता। और उसने एक बेवकूफों जैसी दलील दी, एक आदमी को कल फांसी देनी थी तो उसको बुलाया, कहने लगा तुझे कब फांसी है, उसने कहा कल, कहने लगा जा तुझे आजाद किया जिंदगी दी, उसको छुट्टी दे दी। एक आम आदमी बेचारा बैठा था, उसको पकड़ के ना कहने लगा इसकी गर्दन उड़ा दो, कहने लगा देख लो मैं भी जिंदा करता और मारता हूं, वो जो कल मरने वाला था मैंने जिंदा कर दिया है, और जिसको पता ही नहीं था कि मैंने मरना है उसे पकड़ के मैंने मार दिया है। ये बेवकूफों जैसी दलील है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम चाहते तो उसी वक्त दलील तोड़ देते कि तू क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहा है, अगर तू जिंदगी देता है तो मरे हुए में जान डाल के दे जिसको तूने मारा है। लेकिन हजरत इब्राहिम ने देखा कि बेवकूफ है, बेवकूफों से बहस नहीं होती, दलील बदल ली जाती है, उनकी अकल के मुताबिक बात की जाती है। हजरत इब्राहिम फरमाने लगे मेरा रब वो है जो सूरज मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, तू अगर रब है तो तू मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब कर। फबुही तल्लजी कफर, काफिर लाजवाब हो गया, उसके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। अल्लामा इस्माइल हकी ने खूबसूरत फिक्रा लिखा है, खूबसूरत जान डाल दी एक जुमला कह के। हजरत सैयदना अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे चूंकि नमरूद बेवकूफों जैसी बातें कर रहा था, अगर वो ये कह देता ना कि मैं सूरज को निकालता हूं मशरिक से, मैं गुरूब करता हूं माज अल्लाह मगरिब में मैं निकालता हूं, तो आप अपने रब से कहिए कि वो मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब करे। अल्लामा इस्माइल हकी फरमाते हैं रब करीम की आवाजें कुदरत थी, मालिक हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम के इस, अगर वो कह देता और हजरत इब्राहिम दुआ कर देते तो रब करीम ने फरिश्तों को तैयार बिठाया हुआ था। फरमाया अगर ये कह दे मेरे खलील से कि सूरज मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब करना है तो तैयार रहना, जिस तरह खलील कहेंगे वैसे ही कर देंगे। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, इब्राहिम हमारा दोस्त जो हुआ, जैसे कहेगा वैसे कर देंगे। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों का जब जवाब ना दे सका, दलील नहीं बंदा देता फिर लड़ाई करता है, फिर झूठे मोटे इतराज करता है, दलील खत्म होती है तो लोग जातियात में उतरते हैं, कहते हैं ये खांसता सही नहीं, देखता सही नहीं, दलील खत्म। अब जातियात पे उतरे, कहने लगे मुझे पता चला है कि ये फलानी जगह गया था तो वहां जाके इसने इस तरह किया है, फिर लोग जातियात पे उतरते हैं, जब दलील का जवाब दलील से नहीं दे पाते फिर जातियात पर उतर कर हमले करते हैं। हजरत इब्राहिम के दलायल का जवाब नमरूद ना दे सका तो कहने लगा कि इसको आग में डाल दो। कौम गई हुई थी सारी, आपने बात सुनी हुई है, मैंने सिर्फ इशारा देना है, मेले पे तो हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारे बुत तोड़ दिए, कुल्हाड़ा बड़े बुत की गर्दन पे रखा, वापस आए कहने लगे बुत किसने तोड़े हैं, तो फरमाया इससे पूछ लो जिसकी गर्दन पे कुल्हाड़ा है। कहने लगे ये तो बोल ही नहीं सकता, तो फरमाने लगे बड़े बेवकूफ हो जो बोलता ही नहीं सुनता ही नहीं अपना आप नहीं बचा सकता उसकी पूजा करते हो। कहने लगे पकड़ो, दलीलें खत्म हो गई, इसको आग में डालो। बहुत बड़ी हवेली 45 फुट मुरब्बा पे मुश्तमिल एक हवेली बनाई गई और 45 फुट ऊंची। मुख्तलिफ रिवायात लामा इस्माइल हकी कहते हैं कि 3 महीने तक नमरूद ने कहा कि इसके अंदर लकड़ियां डालो, लोग पूछने लगे कितनी दुनिया जलानी है, कहने लगा बंदा तो एक जलाना है पर बंदा बड़ा तगड़ा है, एक बंदा। 3 महीने लकड़ियां डाली गई और लोगों की जो तोहमात होती है ना वो बड़ी अजीब होती है तोहमात। मैंने बड़ी तफसील से रमजान मुबारक में गुफ्तगू की थी, बदशगुनी तोहमात लोग लेते हैं, उस वक्त भी लोग तोहमात का शिकार हो गए, अकीदा बिगड़ जाता है तो वो अजीबो गरीब बातें करने लगता है, तो हम मात का शिकार हो गए। बीबियां नजर मानती, मैं बीमार हूं अगर सही हो गई तो इतने मन लकड़ी दूंगी हजरत इब्राहिम की आग जलाने के लिए। एक औरत लेके जा रही है लकड़ियां तो एक नेक दिल आदमी ने उसे पूछा कहां जा रही हो, कहने लगी मैंने मन्नत मानी थी तो हजरत इब्राहिम
अलैहिस्सलाम को माज़ अल्लाह जलाने के लिए लकड़ियाँ लेके जा रही हूँ, तो वो रब करीम के बंदे कहने लगे तू ढूंढती रहेगी, तुझे वो जगह मिलेगी नहीं। वो बीबी कई महीने घूमती रही, जगह ही नहीं मिली जहाँ लकड़ियाँ डालनी, मारी गई। तो हम मात का शिकार हुए बहुत सारे लोग, तो हम मात का भाई, तो हम मात दीन के अंदर मना है। तो हम मात दीन में कोई नजर मानना, कोई किसी बुजुर्ग के मजार पे जाके साले सवाब के लिए कोई चीज मानना, ये तो दुरुस्त हुआ। लेकिन गैर शरी नजरें मान लेना कि मैं आके गिर्द चक्कर लगाऊंगा, मैं जनाब वहां जाके ये वाला तमाशा करूंगा, मैं धागा बांधूंगा, मैं रस्सा काटूंगा, मैं वहां गंदे औसे पानी पीऊंगा, इनकी शरीयत इजाजत, ये तो हम बात है, बदशगुनी है। दीन में इनकी कोई गुंजाइश? आप नजर मानने से पहले भी किसी आलिम से राबता करें कि मैं मन्नत मांगने लगा हूं तो कैसे माननी चाहिए, इसका तरीका पूछे। ऐसे ही गलत चीज की मन्नत थोड़ी मान ली जाएगी। बारह आलाम दाम बरसरे मतलब हजरत इब्राहिम के लिए आग जलाई गई, 45 फुट ऊंची आग है, परिंदा भी ऊपर से गुजरता है तो नीचे गिर जाता है जल के। इतने दिन लगा के आग जलाई गई, अब हजरत इब्राहिम को जलाया जाने लगा है। यहां तो मौजे है ना, जो किसी इदारे का सरबराह है उसके लिए मौज है, किसी जगह ऑफिसर बन गया तो मौज है, पीर साहब के लिए मौज है, अल्लामा साहब के लिए मौज है, खतीब साहब के लिए मौज है, जलना किसको पड़ता है? वाली कोई नहीं रहा इल्ला माशाल्लाह। वो लोग गुजर गए जो तकलीफें सह के काम करते थे, गुजर गया जमाना। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाया जाने लगा है, तो अब इतनी बड़ी आग है तो डाले कैसे? शैतान ने तजवीज दी कि मंजनीक बनाओ, मंजनीक, बड़े बड़े बांस बांध के उनके नीचे रस्सा बांधो। वो जिस तरह झूलने के लिए झूला बनाया जाता है, इस तरह एक मंजनीक पुराने जमाने में उसमें पत्थर रख के फेंके जाते थे दुश्मनों पे, वो मंजनीक बनाई गई कि इतनी दूर से हजरत इब्राहिम को फेंकेंगे। हाथ हजरत इब्राहिम के बांध दिए, पांव मुबारक बांध दिए, पूरी जमीन पे एक नाम लेने वाला खुदा का, और उसको आज रस्सियों में जकड़ा हुआ है। जब फेंका जाने लगा ना आग में, हूरे रोने लगी, फरिश्ते तड़पने लगे, ए अल्लाह ये क्या होने लगा है, एक तेरा खलील और वो भी आग में। फरमाया जाओ जाके उससे कहो अगर तुम्हारी मदद लेता है तो उसे बचाओ। हवा का फरिश्ता आया, कहा इब्राहिम अगर तू कहे, ओ भाई इन चीजों को कहानी समझ के ना सुना करें, ये दास्तान नहीं, ये वो तरीके हैं जो हमारे रसूल ने हमें अपनाने का हुक्म इरशाद फरमाया है, जो अकीदे, ये वो नजरियात है जो हमें ओढ़ने को कहा गया, अपने रब करीम की रिजा पे राजी रहने के ये वो खूबसूरत मवाके हैं, सूफिया ने जिनको बनाकर समझाकर हम तक पहुंचाया है, ये है अहले तरीकत की बातें। वो कहते हैं यार जिस हाल में रखे राजी रहना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका जा रहा है, फरिश्ता आया, ए अल्लाह के खलील अगर हुक्म दो तो इतनी हवा चलाऊं कि नमरूदी जल जाए सारे, आग उन पे फेंक दी जाए। आपने फरमाया तू जा, तुझसे मुझे कोई काम नहीं। थोड़ी देर के बाद पानी का फरिश्ता आया, कहा हुजूर इतनी बारिश बरसाऊंगा कि आग बुझ जाएगी। फरमाया तू जा, तुझसे कोई काम नहीं। अब जब मंजनीक में रख दिए गए, आग में जाने का लम्हा है, तैयारी है, हजरत जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए, कहा इब्राहिम कोई हाजत? फरमाया तुझसे कोई नहीं। कहा चलो मुझसे नहीं तो रब करीम से ही बात कर लो, मुझे पता है मैं छोटा हूं, आप मुझसे मदद क्यों लोगे, रब करीम से ही बात कर ले। तो हजरत इब्राहिम कहने लगे जिब्रील ये बता, रब को नहीं पता उसका खलील किस हाल में है? उसे नहीं पता मैं किस हाल में हूं, मेरे हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं आग में, उसे नहीं पता? बताया तो उसे जाता है जिसे खबर ना हो, तो अगर उसे पता है, तो अगर वो जलाने पे राजी है तो मैं भी जलने को तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। उसे कहो ठीक है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में डाल के जो फेंका आग में, या नारुकुनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, अल्लाह ने फरमाया ए आग मेरे इब्राहिम पे ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जा। हजरत इब्राहिम को दो फरिश्तों ने बिठा दिया जमीन पे, फूल खिले हैं, कौंपले महक रही हैं, कलियां खुशबू दे रही हैं। हजरत इब्राहिम ने सर सजदे में रख दिया, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगे, रब करीम का शुक्र बजा लाने लगे। निकले वहां से, कुछ दिन गुजर गए, निकले, हुक्म हो गया इब्राहिम इलाका छोड़ दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से निकल के मिस्र आए, चचा के पास ठहरे,
उन्होंने अपनी बेटी जनाबे सारा का निकाह कर दिया। कुछ आगे बढ़े तो एक जालिम बादशाह से टकराए। उसने एक शहजादी, एक बादशाह की बेटी कैद की हुई थी, जनाबे हाजरा नाम था, उनको कैद से छुड़ा के साथ लाए, हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी साथ, ये चार लोगों का काफिला चला, फलस्तीन में जाके पड़ाव डाला, घर बार छोड़ा, तबलीग शुरू हुई। हजरत इब्राहिम के घर में दो खवातीन है, एक आपकी बीवी है, एक हजरत हाजरा है, औलाद कोई नहीं, बड़ा मेवा है मीठा, घर वही आबाद होता है जिसमें बच्चे रोते हैं, घर होता ही वो है जिसमें बच्चों की चनचनाहट होती है, भिन भनाहट होती है। हजरत इब्राहिम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे रब्बी हबली मिन सालिह, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर। हजरत सारा ने सुन लिया, कहने लगे इब्राहिम शायद मेरे बतन से तो आपको नसीब नहीं, हाजरा से निकाह कर लो। ना भी हाजरा से निकाह हुआ, अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है। रब करीम ने हजरत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बेटा काला स्याह भी हो तो सीने की ठंडक होता है, पर ये तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना इस्माइल अली इतने खूबसूरत, अब जिस बीवी के यहाँ बेटा था, बैठना उठना भी ज्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई, जनाबे सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ आ जंगल में, बाद ये गैर एजीजर इन मक्के के पास। भाई एक बेटा आलमे दीन बना लो, कहने लगा रोटी कहां से खाएगा, तेरे पांच बेटे हैं को हाफिज कुरान बना, कहते रोटी कहां से खाएगा। वो बच्चा भी कहता है मैं कहां से खाऊंगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चंद महीने का बच्चा छोड़ आए, तो कहां से रोटी खाई हजरत इस्माइल ने, कहां से खाई उनकी अम्मा ने रोटी, भूखे मर जाते हैं ये सारे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूं कि जितनी खूबसूरत रोटी अल्लाह करीम दीन के खादिमों को अता करता है शायद किसी और के नसीब होती हो, लेकिन हम लोग तवज्जो ही नहीं कर रहे, हमारा जौक ही नहीं बन रहा, हम ये मेहनत ही नहीं कर रहे कि कौम को मुस्तनद उलमा की जरूरत है, इलाकों के इलाके खाली हैं, इधर हमारा मिजाज ही नहीं बन रहा, तवज्जो ही नहीं दीन की खातर। और फिर चले बच्चे तो बाद की बात है ना, जो अभी खुद जवान है वो भी तो ये दुआ, एक साहब मुझे कहने लगे मैं दुआ मांग रहा हूं अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे दीन पे लगाऊंगा, तो मैंने कहा आप भी बूढ़े नहीं हुए, आप खुद ही लग जाए, बेटा तो अभी आएगा तो लगेगा ना, तो आप तो इस वक्त है तो आप तो पहले लगे ना साहब, दो घंटे तो निकाल के आए, दीन सीखने को काफी है, आप इतनी लंबी सोच रहे हैं कि बच्चा आएगा तो बड़ा होगा तो वो जाएगा तो देखी जाएगी, अभी तो आप हैं तो आप तो आओ। हजरत इब्राहिम ने बच्चा वहां छोड़ा, यहां से जो उमरा करने लोग जाते हैं ना, जो हज करने जाते हैं, उनको पता है कि वहां दुनिया की हर नेमत मिलती है, फिर भी डबल ट्रिपल पैसे लोग जेबों में डाल के जाते हैं। हजरत इब्राहिम जब वहां लेके गए तो कोई इंसान नहीं था, पानी का कतरा नहीं था, दो किलो खजूरें, एक मशकीजा, बीवी को थमाया, हमारे घर में हजारों चीजें पड़ी हैं, लेकिन वो जो तवक्कुल है ना वो खत्म हो गया है, अल्लाह देगा, हलाल हलाल पे कनात करे, जायज जायज पे भरोसा करे, रब करीम अता करने वाला है, वो मिजाज खत्म हो गया। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दो किलो खजूरें एक मिशकीजा पानी का दे करके और वहां बिठाया आपने अपने बच्चे को और अपनी जौजा जनाबे हाजरा को, और बिठा करके ये वापस पलटने लगे तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज दी का इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं, जहां अबे जमजम का कुआं है ना, जो लोग गए हैं इन्होंने सफा मरवा की सही की है, सफा मरवा से बाहर निकले ना सरकार की विलादत का मकाम है, उस जगह पे आबे जमजम का कुआं था, वहां हजरत सैयदना हाजरा को बिठाया, कोई चीज नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई खेत नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं, वहां बिठाया और बिठा करके निकलने लगे तो जनाबे हाजरा फरमाने लगे इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो, कहने लगे अल्लाह के सहारे पे। तो पाकबाज बीबी ने एक लफ्ज पूछा, कहा इब्राहिम ये मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे, बस जिनका अकीदा तौहीद मजबूत हो उनके लिए एक जुमला काफी होता है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हाजरा हाँ रब का हुक्म है। जब ये लफ्ज कहे तो चाहिए था ना हजरत इब्राहिम तसल्ली देते, तो बीबी साहबा तसल्ली देने लगी, अर्ज करने लगी इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप हमारी फिक्र ना करना, अगर ये रब का हुक्म है तो फिर हमारी फिक्र ना करना, जिस रब ने हमें यहां तक पहुंचाया है वो हमें कभी भी जाया नहीं फरमाएगा,
پھر فکر نہ کرنا حضرت ابراہیم آ گئے, بات آپ نے سنی ہوئی ہے, اشارہ کرنا مقصود ہے. 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے, لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار, سارا کردار ماں کا تھا. میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا, یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی اور بہن کو دینی ہے, یہ تربیت کرے اپنے گھر میں. میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتی ہے, اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا. میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ, ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی, پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے, دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے, سکولوں میں وہ جاتی تھی, فلانا کام وہ کرتی تھی, فلانا کام. اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں, یہ اس کو دی گئی ہے, اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی, میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا, اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا, نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے, وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے. اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں, حالانکہ کس کو سنانی چاہیے بولیے, بہن اور بیٹی کو, بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں, ان کو سمجھائیں تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دیں وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو. حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے, چونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا. 13 سال کے بعد فلما بالغ ماہ سعیٰ, بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ سال چلنے لگا تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رضا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابا تفعل ما تؤمر, ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں, جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی بولیے ویسے ہی کریں. حضرت حاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں, بی بی مطمئن ہے, تفصیلات کی ضرورت نہیں, ختم بات, اعتبار ہے, مطمئن ہو گئی. شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس, ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے, یہاں تو پڑوسن آ کے کوئی بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے, پڑوسن محلے دار. شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے, کہا حاجرہ تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت میں. تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم. اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں. تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹے ذبح کرتے ہیں؟ تو شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے. تو جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے, تو مجھے شیطان لگتا ہے. کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے, اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے رستے میں پیش کر دیتا, دے دیتی, مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ, اسی کا ہے, اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی, رکھ بھی دی اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا, قیامت تک تیرا نام رہے گا. حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا, جان بھی دی, بیٹا بھی, اللہ کریم نے دمبے دیے, فرمایا یہ فدیہ ہے. اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے. حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے, بہت بڑے. آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے, لوگ آیا جایا کرتے تھے, بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا, مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے. ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں کی, بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرسوں میری تیرے پاس ہے. وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے, پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں, تیری طرف پارٹی تیری طرف. اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی نا, ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ, اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے, کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے, قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے, سارا ہی جی. اس لیے فریزر لے لے, فریج سے نہیں کام چلے گا,
सारा ही जहाज घर रखना, सारा ही जायज है, रख लें। ओ खुदा के बंदे, कुर्बानी वो बंदा देता है जो सारा साल ही गोश्त खाता है। सही कह रहा हूं, कुर्बानी साहिब निसाब साहिब इस्तेताद बंदा देता है ना, तो वो सारा साल ही गोश्त, तो सारा घर में रखना भी जायज है, लेकिन सारा दे देना भी। तो जो आ रही है उसमें क्यों तवज्जो करते हो, जो दूसरा जायज है उसमें क्यों नहीं अमल करते? सारा तकसीम कर दें, बात खत्म हुई। यकीन करें, मुहर्रम में जाके दोस्त टेलीफोन करके सवाल पूछते हैं, कहते हैं साहब सुना है कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम में खाना जायज नहीं। मैं कह नहीं, रबी लवल च भी जायज जे, रजब रमजान तक खाओ, कोई बंदा नहीं मना करता, इसलिए कि किसी को देना तो पसंद ही नहीं। या फिर उसमें से जो खास खास चीजें हैं वो अपनी फ्रिज में, और बाकी जो है वो दूसरों के लिए। ये क्या तरीका है हमारा, और इसी पे अमल है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। हजरत इब्राहिम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, सिर्फ कुर्बानी नहीं देते थे, सारा साल बहुत सारा लंगर, बहुत सारा खाना पीना, बहुत सारी चीजें जारी रहती थी। और जितने गरीब लोग थे फलस्तीन के, उनको पता था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लंगर जारी है फलस्तीन में जब आपका कयाम था। एक दफा ढेरों मेहमान आ गए और खाने को कोई चीज नहीं। हजरत सारा और जनाब हाजरा दोनों उस वक्त मौजूद थी। वो कहने लगी, इब्राहिम बहुत सारे मेहमान आ गए तो क्या करें? जनाब सारा कहने लगी, किस तरह करके इनकी मेहमान नवाजी करनी? और हालात ये है कि कहत पड़ा हुआ है फलस्तीन में, मिस्र में, दूर दराज इलाकों में। तो हजरत इब्राहिम कहने लगे, ये अल्लाह के मेहमान है और हमें रब करीम का बंदा समझ के आ गए, अल्लाह ही बंदोबस्त करेगा। फरमाने लगे, मेरा मिस्र में एक दोस्त है, वो कैद के दिनों में गल्ला जमा कर लेता है, मैं उसकी तरफ पैगाम भेजता हूं, मुझे उम्मीद है वहां से गल्ला मिलेगा। 2-3-5 ऊंट वाले गुलाम बुलाए और उनको कहा कि जाओ गल्ला ले आओ मिस्र के दोस्त से। वो लोग कहते हम गल्ला लेने गए, वहां जब पहुंचे तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का पैगाम दिया, तो आपका वो दोस्त कहने लगा, गल्ला तो बेशुमार था, मुझे खबर नहीं थी कि हजरत इब्राहिम का पैगाम आएगा, तो मैं तो सारा तकसीम कर चुका हूं, लोग ले गए, अब तो कोई शय नहीं। अब वो खाली आ गए पांचों के पांचों ऊंट। जब खाली आए तो हजरत इब्राहिम की हवेली की दीवारें छोटी छोटी थी। उन गुलामों में से, खादिमों में से, आपके उन चाहने वालों में से कहने लगा, यार वो गरीब तो इंतजार कर रहे होंगे कि गल्ला लेने गए हैं, हमें रोटी मिलेगी। छोटी छोटी दीवारें हैं, वो जब देखेंगे ना खाली आ गए तो उन्हें तकलीफ होगी, इस तरह करो बोरियों में रेत भर लेते हैं, रेत भर के ले जाते हैं, बाद में अंदर रख के उन्हें समझा बहला लेंगे, या हजरत इब्राहिम को बताएंगे, वो खुद ही उन लोगों की दिलजोई फरमाएंगे। अब गल्ला की जगह रेत भर के ऊंटों पर रख के लाई गई, लाके बोरियां जब रख दी गईं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोपहर के वक्त आराम फरमा रहे थे, बीबी सारा उठी, कहती हैं जब मैंने देखा ना कि बोरियां पहुंच गई हैं, तो गई गुलाम को साथ लिया और उसको जब खोला ना, तो कहती इतनी हसीन गंदम मैंने पहले कभी देखी नहीं थी, इतना प्यारा दाना मैंने कभी मुलायजा ही नहीं किया था। फरमाती हैं जब उसको पीस कर चक्की में रोटियां पकाई तो खुशबू दूर दूर तक फैल गई, आला गिजा बनी, बड़े बड़े खाने बीबियों ने मिलके पकाए, चुन दिए गए। हजरत इब्राहिम उठे तो लोग खाना खा रहे, सजदा शुक्र अदा किया, और जब सजदे में गए तो वही आने लगी, फिर रोने लगे। जब पलट कर बाहर तशरीफ लाए तो जनाबे सारा कहने लगी, इब्राहिम तुम्हारा मिस्री यार बड़ा अच्छा है, उसने इतनी आला गंदम भेजी है कि इतनी तो मैंने प्यारी गंदम कभी देखी नहीं। जनाबे इब्राहिम मुस्कुराए, फरमाने लगी, सारा ये मिस्री यार ने नहीं भेजी, ये मेरे अर्शी यार ने भेजी है, ये मेरे अर्शी यार ने भेजी है। भाई मेहमान नवाजी मिजाज था, हाथ लुटा देना मिजाज था, दूसरों की अश्कशोई मिजाज था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका है कुर्बानी, हुजूर ने उनका तरीका बयान किया। अगर साल के बाद कुर्बानी देना उनका तरीका है, तो सारा साल गरीबों को रोटी देना भी हजरत इब्राहिम का तरीका है, सारा साल गरीब की नौकरी करना यह भी हजरत इब्राहिम का तरीका है, भूखे को खाना खिलाना ये भी मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, हुजूर बेहतरीन मुसलमान कौन है, बेहतरीन मुसलमान? तो हुजूर ने फरमाया, जो सलाम लेने में पहल करे और गरीब को रोटी खिलाने में सबसे अच्छा हो, वो बेहतरीन मुसलमान है, जबरदस्त मुसलमान। हमारे यहाँ दावतें होती हैं तो अमीरों की, इफ्तारियां हैं तो अमीरों की, और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बदतरीन दावत है जिसमें अमीर बुलाए जाए गरीब ना बुलाए जाए, वो बदतरीन दावत।
हजरत इब्राहिम का तरीका रहा सारी जिंदगी मेहमान नवाजी, और दूसरा उनका मिजाज था, अल्लाह से प्यार हो गया था ना। जब रब करीम से मोहब्बत होती है ना और मोहब्बत का एहसास होता है दिल में, फिर सजदे लंबे होते हैं। आम आदमी तो नमाज भी नहीं पढ़ सकता, इसे खुदा से मोहब्बत होती है वो तहज्जुद भी नहीं छोड़ सकता। वो ये मोहब्बत की बात है ना, जिसको प्यार होता है उसकी तहज्जुद भी है, उसकी इशराक भी है, चाश्त भी है, उसके उम्रे भी हैं, उसके हज भी हैं, उसके बार बार काबतुल्लाह के दीदार भी हैं। ये मोहब्बत इलाही है, जोश मारती है। इन लोग सजदा करते हैं तो उठते ही नहीं, अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं अल्लाह की। हजरत इब्राहिम को रब करीम से इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था कि वो आपकी जिंदगी के हर पहलू से छलकता था। एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को बहुत ज्यादा माल अता फरमाया, इतने ऊंट गिने नहीं जाते, गायें इतनी ज्यादा के शुमार नहीं होती, बकरे बकरियां इतनी ज्यादा के शुमार, बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने अता फरमाया। और अभी कुछ अरसा पहले आप पीछे जाए ना, तो जो लफ्ज माल था वो रुपए पे तो बोला ही नहीं जाता था, वो जानवरों पे बोला जाता था। बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने दिया, बकरियां गायें ऊंट बैल बड़ा कुछ। तो रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया कि वत्तखद अल्लाह इब्राहिम खलीला, इब्राहिम मेरा दोस्त है। तो फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह जिसे इतना कुछ दिया जाए उसने दोस्त तो बनना ही होता है, तो नवाजा ही बड़ा है, इतना माल इतने खेत खलियान इतना कुछ। अल्लाह करीम ने फरमाया जाओ आजमाइश कर लो, इम्तिहान ले लो। फरिश्ता इम्तिहान लेने पहुंच गया, हजरत इब्राहिम के जानवर चर रहे हैं चरागाह में, हजरत इब्राहिम भी हैं, गुलाम भी हैं, बहुत बड़ा रेवड़ है, आप तशरीफ फरमाएं। एक फरिश्ता आया तो खेत में छुप के बैठ गया और बुलंद आवाज से कहने लगा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाह। ये तस्बीह बड़ी पसंद है, महबूब ने इनकी फजीलत बयान की। अब वो हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहि सलाम खड़े थे तो वो खेत में बैठ के तस्बीह पढ़ने लगा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत इब्राहिम कहने लगे ये मेरे रब का नाम कौन ले रहा है, बड़ी इसकी मीठी आवाज है, बड़ी कौन है, ढूंढने लगे। घूमते घूमते उसके पास चले गए, फरिश्ता इंसानी शक्ल में, तू मेरे रब का जिक्र कर रहा था। उसने कहा मैं ही कर रहा था। फरमाने लगे यार एक दफा फिर नहीं करता। तो कहने लगा इब्राहिम पहले तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, तू कहता है तो पैसे लगेंगे, पैसे हैं तो कर देता हूं। हजरत इब्राहिम कहने लगे बोल तू क्या लेगा, मेरे अल्लाह का जिक्र सुनाने का क्या लेगा। कहने लगा जितनी बकरियां आप चरा रहे हैं सारी दे दे तो मैं अल्लाह का जिक्र सुना देता हूं। आपने फरमाया बस जा तेरी सारी हुई मेरे रब का जिक्र सुना। और फिर शुरू का हो गया सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम कैफ में, यार फिर जरा सुना, ना इल्मा विच फसा सानू, तू यार दी गल सुना सानू, जरा दोबारा सुना। फिर सुनाया, एक दफा फिर कह, फिर कहा। फरिश्ता कहने लगा बस जी आपके पैसे पूरे हो गए। हजरत इब्राहिम कहने लगे चल एक दफा और सुना। कहने लगा पैसे लगेंगे तो क्या लेगा। कहने लगा गायें भैंसे सारी मेरी। फरमाया बस यार इतनी कीमत, तू सुना सही, सारा कुछ ही तेरा। फिर शुरू हो गया सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। गायें दे दी भैंसे दे दी, वो जिक्र सुनाता। हजरत इब्राहिम कभी मचलते हैं, कभी रोते हैं, कभी आहें भरते हैं। तू मेरे रब का नाम ले रहा है, जरा फिर से ले, कैफ जारी है। कहने लगा बस भाई। हजरत इब्राहिम फरमाने लगे तू और ले ले जो लेना है, मुझे जिक्र सुना। उसने कहा इब्राहिम बकरियां मैं ले चुका, गाय भैंसे मैं ले चुका, ऊंट रह गए, सारे ले लूंगा फिर जिक्र सुनाऊंगा। फरमाया जा तेरा हुआ, तू जिक्र सुनाता रहे मैं देता हूं। दे दिया, कुछ देर जिक्र किया तो अब खामोश हो गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम फरमाने लगे जिक्र सुना। कहने लगा इब्राहिम अब तेरे पास देने को क्या है, हर चीज तो मैं ले चुका। आप फरमाने लगे ये गाय भैंसे बकरियां चराने के लिए तुझे कोई नौकर मुलाजम भी तो चाहिए ना, तो इस तरह कर मुझे रख ले, मैं रोटी नहीं मांगूंगा, खाना नहीं मांगूंगा, तो अल्लाह का जिक्र सुनाता रहना, मैं तेरे जानवरों की नौकरी करता रहूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा ना, फरिश्ते की आंखों में आंसू आ गए। तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। फरिश्ता रो पड़ा और कहने लगा इब्राहिम मुझे सीने से लगाओ, आप वाकई इस काबिल है कि अल्लाह आपको अपना दोस्त बनाए, वाकई इस काबिल है कि रब आपको अपना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खुदा से मोहब्बत करने का निराला अंदाज। और मेरे भाई
यही मोहब्बत उन्हें मेरे मुस्तफा से भी थी। एक नबी घर बना रहा है, दूसरा बनवा रहा है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा के ला रहे हैं, जनाब इब्राहिम बना रहे हैं, जब खाना काबा बन गया तो कहने लगे रब्बना वब असफीहिम रसूला, ए अल्लाह अब इसे बसाने के लिए अपना आखिरी रसूल भी अता फरमा। नबी पाक फरमाते हैं मैं दुआ हूं हजरत इब्राहिम की। ये कुर्बानी हजरत इब्राहिम का तरीका है। हुजूर ने अगरचे नबी पाक की अपनी सुन्नत थी, ये भी कह सकते थे सुन्नति व सुन्नति अबीकुम इब्राहिम, मेरी सुन्नत है और तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, ये नहीं फरमाया। जब सहाबा ने कहा कुर्बानी क्या है, फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। हर साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। जो जकात का निसाब रखता हो उस पर कुर्बानी वाजिब है, यानी जरूरियात से ज्यादा इतने पैसे जितने पैसों से जकात फर्ज होती है, उतने पैसे जिस आदमी के पास कुर्बानी से पहले पहले आ जाए उस आदमी पर कुर्बानी करना वाजिब है। बकरा, छतरा, दुम्बा एक साल का, या दुम्बा 6 महीने का हो पर इतना बड़ा महसूस होता हो कि लगे कि 1 साल का है, उसकी कुर्बानी हो सकती है। जानवर में कोई ऐब नहीं होना चाहिए, इतना कमजोर ना हो कि ज़िबा जहां उसे करना है वहां वो चल के जा ना सके, इतना कमजोर जानवर ना हो, उसके अंदर बज़ाहर को इतना बड़ा नक्श ना पाया जाता हो, काना ना हो, लंगड़ा ना हो, कोई उसकी हाथ ना कटे हुए हो, ऐसा नक्श जो वाजे हो। बकरा 1 साल का, गायें और भैंस ये 2 साल की, ऊंट 5 साल का। अब इसमें यह है कि हमारे बहुत सारे दोस्त, चूंकि हम देहाती लोग हैं, तो पूछते हैं कि दोंदा नहीं है तो चौगा नहीं है, तो ये हमारी पंजाबी की इस्तलाहात है, पंजाबी की। शरीयत इस्लामिया ने साल बताए हैं, ये तो हमने अपनी आसानी के लिए या देहातों में जो माहौल था। इस तरह का जानवर लें, खूबसूरत जानवर लें। जो निसाब है वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन एक और पहलू भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़कात कभी फर्ज नहीं हुई, कभी हुजूर पे ज़कात फर्ज नहीं हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना सरमाया कभी इकट्ठा हुआ ही नहीं कि ज़कात फर्ज हो, लेकिन नबी पाक के सहाबा फरमाते हैं कि मदीने के 10 सालों में अल्लाह के रसूल ने हर साल कुर्बानी फरमाई है, हर साल कुर्बानी दी। और जिस साल हुजूर हज करने गए उस साल अल्लाह के नबी ने 63 ऊंट ज़िबा फरमाए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊंट ज़िबा करने लगते ना तो सहाबा कहते हैं ऊंट खुद दौड़ के हुजूर के सामने आके लेट जाता और नबी पाक उसे ज़िबा करते, और फरमाते हैं एक दूसरे को धक्के देते ऊंट के, पहले मैंने जाना है ज़िबा होने के लिए, पहले मैंने, उन्हें पता था कि जो मुस्तफा के हाथों ज़िबा होगा वो तो दायमी जिंदगी पा जाएगा, यहां भी वहां भी जिंदा। 63 ऊंट ज़िबा किए, एक ऊंट में कितनी कुर्बानियां होती हैं? 7। अब 63 को 7 से ज़रब दोगे तो कितनी बनेगी? और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना मुनव्वरा में कुर्बानी दी हर साल। अब वो 63 ऊंट, एक ऊंट में 7 कुर्बानियां, हर साल यहां कुर्बानी। और मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं नबी पाक 2 कुर्बानियां देते। मैंने कहा हुजूर 2 जानवर ज़िबा कर रहे हैं आप, तो हुजूर ने फरमाया एक मेरी तरफ से, एक मेरी उम्मत की तरफ से, गरीबों की तरफ से। और हजरत अली को हुजूर ने वसीयत फरमाई तू 2 दिया करेगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गुलाम हूं, खादिम हूं। हुजूर ने फरमाया अली एक तूने अपनी देनी है, एक मेरी तरफ से देनी है, 2 कुर्बानियां। मौला अली ने भी सारी जिंदगी 2 कुर्बानियां दी। हजरत अली भी माल के निसाब नहीं थे, अपना मकान ही नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, कई कई दिन फाके रहते थे, पर कुर्बानियां कितनी देते थे? 2। हमारे पास वैसे अगर ससुराल में, मेके में, कजनों में कुशादी हो जाए तो 50-60 हजार का खर्चा बराबर है, वो पक्का है। और कुर्बानी की बारी गरीब हो गए, सारे गरीब हो गए, कहते नहीं यहां मुश्किल है। ओ खुदा के बंदे अल्लाह के साथ तजारत कर, उसके रस्ते में 1 देगा, रब तुझे 70 गुना इजाफा के साथ अता फरमाएगा। कुर्बानी माल के निसाब पे है। कोशिश किया करें कि अल्लाह के रस्ते में जब देना हो फिर लैतुल अल्लाह से बचें, खूबसूरत जानवर लाएं जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, उनके लिए नसीहत है जिनको अल्लाह ने तौफीक दी। मैंने अपने हजरत साहब को देखा है, वो कहते थे कई कई जानवर अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, कहते एक मेरा है, एक मेरे माँ का, एक मेरे बाप का है, एक मेरे फलां उस्ताद साहब का, एक मेरे पीर साहब का है, ये जानवर गौसे आदम जिलानी का नाम का दे रहा हूँ। और फिर एक बड़ा खूबसूरत जानवर बंधा होता और हजरत खुद उनको चारा डाल रहे होते तो हुजूर ये क्या है? फरमाने लगे ये मैं रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान करूंगा, ये नबी पाक के नाम पर कुर्बान किया जाएगा, जिनको अल्लाह ने
हैसियत दी है, वो कोशिश करें अपने महबूब की तरफ से भी कुर्बानी करें, नबी पाक के नाम की कुर्बानी दे, खूबसूरत सा जानवर प्यारा, फिर उसकी खिदमत हो, फिर उसकी कुर्बानी दी जाए और नबी पाक के नाम पर कुर्बानी दी जाए। हुजूर ने खुद वसीयत फरमाई हजरत अबू बकर सिद्दीक को, कुर्बानी बड़ा हसीन अमल है और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी भी फरमाई, जरा खोकर हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। मेरे हबीब ने फरमाया जो ताकत के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने ना आए, वो ना आए। और या रसूलल्लाह जो करेगा, फरमाया कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा बाद में जमीन पे गिरेगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह पहले माफ फरमा देगा, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्शेगा। कुर्बानी करें, खूबसूरत अंदाज में करें, अल्लाह की रजा के लिए। बुजुर्गों ने लिखा है तीन हिस्से करो गोश्त के, एक घर में रखो, एक रिश्तेदारों में बांटो, पड़ोसियों में बांटो, और तीसरा फकत गरीबों को दो। लेकिन मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि हमारे यहाँ कुर्बानी करता ही वो है जिनके घर में हर जुमेरात को छोटा गोश्त पकता है और जिनके घर में हफ्ते में तीन दफा मुर्गी का गोश्त पकता है, वही तो कुर्बानी देने के काबिल होते हैं। तो वो भी अगर कुर्बानी के बकरे में से भी तीसरा रखना चाहें तो इजाजत तो है, मैंने कहा सारा रखने की भी इजाजत है। लेकिन अगर आप मेहरबानी करें, कोशिश करें कि यार हम तो सारा साल ही खाते हैं और हमारे यहाँ आप जो गोश्त तकसीम होता है ना वो भी बारी लगी हुई है, उधर से प्लेट आई थी गोश्त की तो इधर से भर के चली गई, भाई उसने की है उसको बार बार गोश्त देने का क्या मतलब है। आप ये देखें अजीजों में, रिश्तेदारों में, और मैं अगर थोड़ा सा आपकी तवज्जो कराने में कामयाब हो जाऊं तो सफेद पोश लोगों को देखें, कुछ सफेद पोश है, सफेद पोश जिनके ऊपर कर्जे हैं, बीमारियों ने जकड़ लिया है, घर में बड़े बड़े सख्त मरीज आ गए हैं, सफेद पोश पहले दिया करते थे, आप उनसे पूछते हैं साहब कुर्बानी, तो बात को टालते हैं, वो कहते हैं सोच रहा हूं कोई हिस्सा उस्सा डाल जाए, पर्दा पोशी करते हैं, कहते हैं कहीं हिस्सा रखा हुआ पर्दा पोश। अक्सर वो लोग कुर्बानी नहीं दे पाते, अक्सर दिया करते थे अब नहीं दे पा रहे, क्यों? इसलिए कि मुश्किलात ऐसी आ गई। उन लोगों का ख्याल करें, उनके घरों तक गोश्त पहुंचा के आए, उन पर तवज्जो करें। वो सफेद पोश आदमी कभी जिक्र नहीं करेगा, कुछ तो ऐसे हैं जो खुद पहुंच जाते हैं कि हमें गोश्त दिया जाए, लेकिन कुछ सफेद पोश हैं ला यसअलून अन्नास इलाफा, अल्लाह फरमाते कुछ लोग लिपट लिपट के सवाल नहीं करते, सफेद पोशी का भरम रखते हैं, का मिजाज नहीं। उनकी तरफ देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, खास कर उन रिश्तेदारों को देखें जिनका आपको पता है कि गरीब है, मजबूर है, उनके घरों में गोश्त भेजें, गरीब बेटियों गरीब बहनों का ख्याल करें, उस तरफ मुतवज्जे हों, उनके साथ उसने सलूक करें, उस तरफ आप लोग ख्याल करें। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आपकी जान में, माल में, इज्जत व आबरू में खैर व बरकत अता फरमाए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।